नमस्कार, मेरा नाम आशीष बहल है। मैं हिमाचल प्रदेश जिला चंबा से हूँ। मेरे स्कूल का नाम गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल कहारी एजुकेशन ब्लॉक चुआड़ी। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि जो मेरे आइडियाज़ को यहाँ पे चूज़ किया गया है, हमें जो दिक्कत आ रही थी कि हमने स्कूल में एक किचन गार्डन तो तैयार कर लिया, कुछ क्यारियाँ बना ली, मगर जब हम देख रहे थे कि बच्चों को वहाँ पर पानी देने की बहुत समस्या थी, उसकी केयरिंग की बहुत ज़्यादा समस्या आ रही थी। तो मुझे आइडिया है कि क्यों ना जो बच्चे मिड डे मील खाते हैं, क्योंकि हम हर स्कूल में मिड डे मील की योजना चली हुई है, तो मिड डे मील से जो बच्चे हाथ धोते हैं या फिर जो बर्तन साफ करते हैं खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद, तो जो वाटर होता है, जो पानी जो वेस्ट होता है, क्यों ना वो किचन गार्डन के रूप में बच्चे जो यूज़ करें। इसलिए वो बच्चे क्या करते हैं कि जो वो हाथ वगैरह धोते हैं, जो थालियाँ वगैरह धोते हैं, वो पानी जो किचन गार्डन को देते हैं। इससे क्या हुआ कि जो एक समस्या आ रही थी कि पौधों की देखभाल कैसे हो, तो वो एक बहुत ज़्यादा हमें हेल्प मिली कि बच्चे जो थे वो बड़े अच्छे तरीके से उसकी केयर भी करने लगे। और हमने उसको पार्ट में बांट दिया, फर्स्ट क्लास के लिए ये क्यारी, दूसरी क्लास के लिए ये क्यारी, तीसरी के लिए ये क्यारी। तो बच्चों में कंपटीशन की भावना है, वो अपनी जो क्यारी में बांटी हुई थी उसमें बहुत अच्छे तरीके से फूल पौधे बहुत अच्छे से उगाने लगे। और ये हमारे लिए बहुत ही पॉजिटिव मूव रहा। और जब अरबिंदो सोसाइटी में ZIIEI में हमें एक ये मौका मिला कि आप कोई ऐसा आइडिया बताओ जिससे कि आपके स्कूल में एक बहुत अच्छा माहौल भी बना है, कुछ शून्य लागत से आपने कुछ अच्छा किया है, तो मेरे दिमाग में ये आइडिया आया कि क्यों ना हम ये आइडिया जो है वो सबके साथ शेयर करें। और जो काम हम कर रहे हैं, जैसे एक स्कूल में 50 बच्चे होते हैं, तो वो अगर थाली धोते हैं तो कितना पानी जो किचन गार्डन के रूप में मिलेगा। तो मैंने वो आइडिया श्री अरबिंदो सोसाइटी के थ्रू जो शेयर किया, और मुझे बहुत खुशी है कि मेरे आइडिया को चूज किया गया, और वो भी बिल्कुल मतलब एक पारदर्शी तरीके से। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ अरबिंदो सोसाइटी।